यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद ही आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं। टॉप रैंकर्स को आईएएस पद मिलता है, लेकिन वो अपनी प्रेफरेंस पर आईपीएस भी बन सकते हैं। ऐसे में कम रैंक वाले आईएएस और अधिक रैंक वाले आईपीएस भी बन सकते हैं। आईएएस और आईपीएस के लिए चुने जाने वाले कैंडिडेट्स की शुरुआती ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन कोर्स से होती है। 3 महीने बाद आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी भेज दिया जाता है। आईएएस और आईपीएस दोनों की जिम्मेदारी और शक्तियाँ बिल्कुल होती हैं। आईएएस अधिकारियों को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन नियंत्रित करती हैं। वहीं आईपीएस कैडर केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करता है। आईएएस अधिकारी का वेतन आईपीएस अधिकारी की तुलना में ज्यादा होता है। एक क्षेत्र में केवल एक आईएएस अधिकारी होता है, जबकि एक क्षेत्र में आईपीएस अधिकारी की संख्या जरूरत के अनुसार होती है। कुल मिलाकर पद और वेतन के मामले में आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी से ऊपर माने जा सकते हैं। जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।